दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर है 254 नंबर का लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, और याद रखेंगे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वायुमंडलीय परतों के बारे में, यानी वायुमंडल में कुल कितनी परतें पाई जाती हैं, अलग अलग परतों की अलग अलग विशेषताएँ हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, याद रखेंगे अगर आज की क्लास आप देखते हैं दोस्तों, तो 7591 से लेकर 7620 तक के सवालों पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपसे बार बार कहता था कि दोस्तों जुड़िए इस सीरीज से, बहुत कमाल की सीरीज है। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग 10,000 प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कुछ इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए जा रहे हैं बहुत कम प्राइस में। दोस्तों मान के चलिए ये बैच 150 से 200 रुपए में अवेलेबल होंगे। एक एक विषय दोस्तों कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा। इतने कम प्राइस में जब बैच मिलेगा तो आप आराम से अपनी तैयारी कर पाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत जल्द दोस्तों ये आने वाला आपके सामने, आप चाहें तो इंक्वायरी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों की बात करते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन सा सवाल यहां पर दे रहा है और आप उन सवालों का जवाब कितना बेहतर ढंग से दे पाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों लिखा हुआ है कि रासायनिक संयोजन के आधार पर वायुमंडल को किन परतों में बांटा गया। ठीक है, किन परतों में बांटा गया दोस्तों, तो अब जब ऐसा सवाल आता है लोगों को लगता है भाई वही पांच परत क्या हो गया, एक तो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया। आंख मूंद कर बच्चे सोचते हैं कि पांच परत होती हैं, वही जवाब दे देते हैं, जबकि यहाँ पांच परतों से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, जो रासायनिक संयोजन है उसके आधार पर जवाब पढ़ेंगे। तो दोस्तों परतों को बताया गया कि परतें कितनी होती है दोस्तों, दो तरह की परतें होती हैं। कितनी? दो तरह की परतें होती हैं। हाँ हाँ रुको ना, बता रहा हूँ। ठीक है, परतें केवल दो तरह मानी गई हैं दोस्तों, और ये दो तरह की कौन कौन सी परतें होती हैं, तो एक को कहा गया दोस्तों सममंडल। ठीक है, क्या कहा गया दोस्तों, एक को माना गया सममंडल और दूसरे को माना गया दोस्तों विषममंडल। क्या माना गया? सममंडल विषममंडल। अब आपका अगला ही सवाल आ गया, सर आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा ये सममंडल और विषममंडल के बारे में। अरे जो नहीं पढ़ा वही तो हम पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, आगे देखते चलिए, मैं एक एक करके आपको सब बताता हूं। सवाल आ रहा है कि वायुमंडल की सममंडल जो परत है दोस्तों, यहां लिखा हुआ देखिए, सममंडल परत जो है यह किन परतों से मिलकर बनी है, तो सममंडल आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाता है। याद रखेंगे यह दो परतों से मिलकर बनी है। कितनी परतों से? दो परतों से मिलकर बनी है। सममंडल में पहला मंडल दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या दोस्तों? क्षोभ मंडल या विक्षोभ मंडल। और दूसरा मंडल दोस्तों क्या है? समताप मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल और समताप मंडल, यानी नीचे से जो क्रमशः दो परतें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो सममंडल के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से ऊपर की जो तीन परतें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो विषममंडल की परतें कहलाती। ठीक है, तो अगला सवाल दे रहा कि वायुमंडल की विषममंडल परतें जो है ये किन परतों से मिलकर बनी है, तो याद रखेगा दोस्तों विषममंडल की परतें ये तीन परतों से मिलकर बनी। कितनी परतों से? तीन परतों से मिलकर दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तीन परत क्या? एक परत आप इसमें और लिखिए। ठीक है, एक परत आप यहां पे और लिखिए, इसको तीन करिए और इसको दो करिए। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं, ये दोस्तों तीन परतों से मिलकर बना और इसको करिएगा आप दो परतों से मिलकर बना। ऐसा क्यों जरा समझिएगा दोस्तों, ये आधार किस आधार माना गया? देखिए यहां पर एक शब्द पढ़ रहे होंगे सममंडल विषम मंडल, मतलब ऐसे मंडल जहां पर समानता पाई जाए। क्या हो दोस्तों? समानता पाई जाए। ठीक है, तो ज्यादातर चीजों में समानता मिलती है और यहां पर दोस्तों यहां पर करेक्टर जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? अलग अलग। तो इस क्रम में दोस्तों एक तीसरे मंडल का भी नाम आप यहां पे नोट कर लीजिएगा, वो मंडल दोस्तों मध्यमंडल। मध्यमंडल क्योंकि बीच में पड़ता है तो ये दोस्तों सममंडल से मैच करता है, तो आप इसको सममंडल के तहत रख दो। इसके बाद जो आयन मंडल का नाम आता है, ठीक है, चौथे नंबर पर जो दोस्तों आपका आयन मंडल का नाम आता है, आयन मंडल का नाम आता है, और आखिरी में दोस्तों बहिर्मंडल का नाम आता है। ठीक है, बहिर्मंडल का नाम आता है, ये जो मंडल दोस्तों, ठीक है, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर एक्सोस्फीयर, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये विषम मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर विशेषताएं दोस्तों अलग अलग पाई जाती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत ध्यान से पढ़ो, जो आपने नहीं पढ़ा वो एक नए तरीके से, ये मैं जो आधार बताया हूँ सममंडल विषममंडल, ये रासायनिक संयोजन के आधार पर दोस्तों ये बंटवारा किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अब एक एक करके दोस्तों हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, आइए वहां से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। कह रहा वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत दोस्तों, यानी पृथ्वी से जब आकाश की तरफ आप जाएंगे तो पहले नंबर की जो परत है वो कौन सी है दोस्तों? तो सबसे निचली परत है दोस्तों क्षोभ मंडल। ठीक है,
क्षोभ मंडल। अब अगला सवाल आता है कि इसका नाम क्षोभ मंडल क्यों पड़ा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में इसका नाम क्षोभ मंडल था ही नहीं, इसको कहा जाता था विक्षोभ मंडल। क्या कहते थे दोस्तों? इसका पुराना नाम था विक्षोभ, विक्षोभ मंडल। और विक्षोभ का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ऐसा मंडल जहां मौसमी घटनाएं घटती हो। क्या होती दोस्तों? मौसमी मौसमी घटनाएं घटनाएं घटती हों, वो क्या कहलाता दोस्तों? वो होता था दोस्तों विक्षोभ मंडल में। तो समस्त मौसमी घटनाएं, अब ये मौसमी घटनाएं में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? जैसे यहीं पर दोस्तों बादल रहते हैं, यहीं पे दोस्तों वर्षा होती है, ठीक है, इसी का संबंध दोस्तों तूफान से है, ठीक है, तूफान आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान है, इन सब का संबंध किससे दोस्तों? ये सब विक्षोभ मंडल से संबंधित है। इसी मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटो। अच्छा एक चीज और, एक शब्द आप पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, एक शब्द आप पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो दोस्तों दोनों का इंग्लिश नाम आप जरूर याद रखेगा। जब आप पढ़ते हैं क्षोभ मंडल इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, जब आप आते हैं समताप मंडल में तब हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे विक्षोभ मंडल को। आगे बात समझ में आ गया, ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। ठीक है कहां पर दोस्तों? विषुवत रेखा पर। देखिए ऐसे हमने क्या कर लिया, एक ग्लोब बना दिया, ग्लोब पे दोस्तों ये हो क्या हो गया दोस्तों? जीरो डिग्री हो गया। तो जीरो डिग्री पर ऊंचाई और ध्रुवों पर ऊंचाई, दोनों ऊंचाई अलग अलग है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों जीरो डिग्री पर, तो जीरो डिग्री पर इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी दोस्तों? लगभग 16 से 18 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 16 से 18 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। क्या दोस्तों? सर्वाधिक। तो आपसे ये भी पूछता है कि क्षोभ मंडल पे ऊंचाई जो है कितनी है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें न्यूनतम की, ठीक है, न्यूनतम की, तो दोस्तों ध्रुवों पर, अगर हम ध्रुव की बात करें दोस्तों, तो ध्रुव पर ऊंचाई न्यूनतम है, ध्रुव की ऊंचाई दोस्तों केवल 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, ध्रुवों पर दोस्तों ऊंचाई जो है कम है। कहीं कहीं पर दोस्तों 8 से 10 मिलेगा, कहीं कहीं पर 6 से 8 मिलेगा, लेकिन वो सही नहीं है। आप 8 से 10 याद रखो, और इसको याद रखो जो विषुवत रेखा पर है 16 से 18 याद रखो। ठीक है, ये मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। एक चीज और दोस्तों, ऐसे आप ऐसे याद करना चाहते तो 8 × 16 भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 8 दोस्तों आप याद कर लीजिए ध्रुवों पर, ठीक है, 8 क्या याद कर लीजिए ध्रुव पर, और 16 याद रखिए दोस्तों विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 8, 8 × 16 ये दोनों आप याद रखेगा। ये मैं बता रहा हूं दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई, पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल करा किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहीं पर संवहनी धाराएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों संवहन मंडल कुछ और नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों क्षोभ मंडल, इसी को दोस्तों संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, कुछ अलग से नहीं। ठीक है, क्षोभ मंडल को ही क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं, चाहे क्षोभ मंडल कहिए चाहे विक्षोभ मंडल कहिए, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, संपूर्ण वायुमंडल का, संपूर्ण वायुमंडल का, वायुमंडल का 15% कितना दोस्तों? 15% हिस्सा कहां है दोस्तों? ये क्षोभ मंडल का है। ठीक है, कहां पर दोस्तों? 15% हिस्सा ये क्षोभ मंडल का है, संपूर्ण वायुमंडल का। ठीक है, ये इतना बड़ा है क्षोभ मंडल, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। करा धरातल से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में किस दर से तापमान कम होता है। अब बात आती है कि भूल जाते हैं हम हमेशा कि ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। हम कहें छोड़ो क्षोभ मंडल की बात, हम करते हैं ना एक पहाड़ ऐसे मान लीजिए। देखिए एक ऐसे क्या करते हैं दोस्तों, एक पहाड़ है। ठीक है, ऐसे बहुत ऊंचा सा दोस्तों क्या है, एक पहाड़ है। ठीक है, अब होता क्या, मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति चढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो जब चढ़ता दोस्तों पहाड़ पर, ठीक है, पहाड़ पर जाएगा, तो जैसे जैसे दोस्तों ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे इस पहाड़ पर दोस्तों, जैसे जैसे इस पहाड़ की ऊंचाई की तरफ दोस्तों बढ़ता जाएगा, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर दोस्तों उसको ठंडा का आभास होगा। ठीक है, ठंडा आभास होगा दोस्तों, ठंडा आभास। यही तो रीजन है कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उनके शिखर पर दोस्तों बर्फ जम जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिमरेखा के ऊपर स्थित होते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठंडा का मतलब क्या है, ठंडा का मतलब क्या दोस्तों, कि जो टेम्परेचर है वो दोस्तों गिरता चला जाएगा। और यहां पर क्या कह रहा है कि धरातल से यानी धरती से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में किस दर से, किस रेट से तापमान कम होता जाता दोस्तों। तो याद रखेगा 1 डिग्री सेल्सियस
किस दर से कम होता है दोस्तों, तो 1 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, मैं फारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं। और ये जो घटता है डिग्री सेल्सियस, ये मीटर में घटता है प्रति 165 मीटर पर। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर, यानी 165 मीटर ऊपर जाओगे तो दोस्तों टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। सर ऐसे करते करते तो बहुत ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर सर माइनस में भी आ जाएगा। हाँ माइनस में भी हो जाता है, सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर -40 है और ऊपर का टेम्परेचर -80 है, -80 भाई, समझ रहे हैं ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पर दोस्तों ये टेम्परेचर गिरता है। अब कभी कभी दोस्तों 1 किलोमीटर में पूछ लेता है, ठीक है, क्या करता है कभी कभी यही आंकड़ा किलोमीटर में पूछ लेता है कि बताइए 1 किलोमीटर में टेम्परेचर कितना गिरता है। तो याद रखेगा 6 डिग्री के आसपास, ठीक है, 6 से 6.5 डिग्री के आसपास दोस्तों सेल्सियस जो है यह टेम्परेचर दोस्तों गिरता है, ये आप याद रखेंगे अगर 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो। वैसे मीटर वाला ज्यादा पूछता है, किलोमीटर में ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। आगे देखिए, करा धरातल से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में तापमान की कमी होना क्या कहलाता है। जो तापमान में कमी हो रहा है दोस्तों इसी को कहते हैं सामान्य ह्रास दर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सामान्य ह्रास दर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और कितना डाउन हो रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा 165 मीटर पे दोस्तों ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जा रहा है दोस्तों, गिर जा रहा है, कम हो जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बढ़ेगा तो गर्मी आ जाएगी ना, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसी को सामान्य ह्रास दर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सकरे नलिकाकार और विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों। इस पवन प्रवाह को क्या कहते हैं? इस पवन प्रवाह को जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं? जेट प्रवाह, या इसी का इंग्लिश में नाम क्या है दोस्तों? जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम का नाम जानते होंगे दोस्तों। जेट स्ट्रीम एक ऐसी धारा है जो क्षोभ मंडल के ऊपर बहती है और हमेशा बहती है। अच्छा, कई बार सवाल आता है कि यह किस गोलार्ध में बहती है। भैया ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में बहती है, यहां किस की कोई बात नहीं है, ठीक है, ये दोनों गोलार्ध में बहती है, इस तथ्य को याद रखेंगे। करा जेट प्रवाह, तो देखिए जेट प्रवाह कुछ अलग नहीं है, जेट प्रवाह क्या दोस्तों? जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम है। क्या दोस्तों? जेट प्रवाह क्या है? जेट स्ट्रीम। आपको मैं कहानी बताऊं, ये जेट स्ट्रीम की जो इसके बारे में लोगों को जो जानकारी हुई, ये जानकारी हुआ दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय। कब हुआ दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 1939 से लेकर के 1945 के बीच में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया है। और दोस्तों 1945 में जो अमेरिका था उसने क्या कर दिया दोस्तों? जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। क्या कर दिया? जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। और ये जो परमाणु बम था दोस्तों, ये दो, अब आप कहेंगे अरे सर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, लेक चले गए हिस्ट्री में, रुको भाई बता रहा हूं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है, कैसे पता चला ये समझो, ठीक है। तो दोस्तों दो परमाणु बम यहां पे गिराए गए, एक का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, एक परमाणु बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, ठीक है, और दूसरे परमाणु बम का नाम था फैट मैन, ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये गिराया गया था दोस्तों 6 अगस्त को, ये गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त को, ठीक है, ये गिराया गया था दोस्तों हिरोशिमा में, और ये गिरा गया था दोस्तों नागासाकी में, ठीक है। तो याद रखेगा, होता क्या है जब ये बम भेजा गया तो दोस्तों पता चला, अब एक्यूरेट टाइम रहता है भाई, जहाज कितने बड़े उड़ेगी और कितने बजे वहां पहुंचेगी और कितने बजे बम गिरा देगी, एकदम एक्यूरेट टाइम था, और उस टाइम पे पहुंचा ही नहीं। अमेरिका परेशान, अमेरिका सोचा रही यार कहां चला गया बम गिराने लेकर, ये इस टाइम तक इसको पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, और उसके बाद पता चल रहा है कि उस टाइम पे पहुंचा नहीं। तब दोस्तों कुछ समय बाद जब वो पहुंचा और बम गिराकर जब वापस आ गया, तब दोस्तों उससे पूछा गया कि भाई तुमको इस टाइम पे बम गिराना था, क्यों नहीं गिराए? तब उसने बताया कि नहीं, ऊपर इसी एक इस तरह की एक पवन रहती है, एक वेग रहती है जो हमेशा जिस दिशा में दोस्तों पृथ्वी घूर्णन करती ना, ये उस दिशा में बहता है। और पृथ्वी घूर्णन किस दिशा में करती दोस्तों? पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में दोस्तों? तो पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो याद रखेगा जेट स्ट्रीम भी जो चलती है दोस्तों, जेट स्ट्रीम जो चलती है वह भी दोस्तों पश्चिम से पूर्व चलती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। और अगर अमेरिका से कुछ भेजा गया दोस्तों तो ये उल्टा पड़ रहा था, वो उसको रोक रहा था,
ठीक है। तो दोस्तों इस वजह से लोगों को पता चला कि नहीं इस तरह की कोई जेट स्ट्रीम है वहां पे, ठीक है। अभी जो पूछ रहा है कि जेट स्ट्रीम का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व होता है, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलोगे ये बात, अगर ये पूरी स्टोरी आपने सुन लिया कभी दिमाग से स्किप नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा धरातल से कितनी ऊंचाई पर जेट प्रवाह मिलता है, मतलब कितने ऊपर जाए सर कि ये जेट स्ट्रीम की धारा हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है, या महसूस करने को मिल जाएगी। दोस्तों ज्यादा नहीं, 6 से लेकर 15 किलोमीटर, ठीक है, 6 से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ही ये जेट स्ट्रीम की धारा दोस्तों मील जाती, ठीक है। कभी कभी ये आंकड़ा दोस्तों मील में दे देता है, ठीक है, मील में दे देता है, तब आप बताएगा दोस्तों लगभग 5 से 7 मील, ठीक है। कितना दोस्तों, अगर मील में पूछेगा तो 5 से 7 मील बताएगा, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 6 से 15 किलोमीटर बताएगा। ये दोनों तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल पर आइए। करा शीतकाल ठंडी के समय में जेट स्ट्रीम का अधिकतम वेग कितना हो जाता है, तो जेट स्ट्रीम का, अच्छा जेट स्ट्रीम का नॉर्मल वेग कितना होता है दोस्तों, तो जेट स्ट्रीम दोस्तों नॉर्मली 100 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती। क्या बात कर रहे हैं सर, 100 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर के बीच की रफ्तार होती है। जी हाँ, ये जेट स्ट्रीम के अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह की दोस्तों प्रवाह दर है। शीतकाल में प्रवाह दर लगभग 445 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। कितना, 445 किलोमीटर प्रति घंटे की दोस्तों रफ्तार से यह जेट स्ट्रीम बहती है, इसके बारे में भी जानिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी पर तापमान के वितरण का संतुलन, तापमान के वितरण का संतुलन बनाने में कौन सी पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहा है पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पर इक्वल हो, एक समान हो, इसके लिए दोस्तों कौन सी पवन जिम्मेदार है, तो दोस्तों यही जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है, ठीक है। अगर ये जेट स्ट्रीम ना होती तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि तापमान जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और नहीं होता तो दोस्तों संतुलन बिगड़ जाता पृथ्वी का, ठीक है। तो उसके लिए भी दोस्तों ये जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है, याद रखेंगे। कह रहा है किस पवन का संचार दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होने के कारण परिध्रुवी भंवर भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तो किस पवन की बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में चलता है, ध्रुवों के चारों ओर चलता है, और इसीलिए दोस्तों इस जेट स्ट्रीम को और किस नाम से जानते हैं, इसे परिध्रुवीय भंवर कहते हैं। परिध्रुवी मतलब परि मतलब चारों तरफ, ध्रुवी मतलब ध्रुव के चारों तरफ घूमना, और किसी के चारों तरफ कोई चीज अगर घूमती है तो एक भंवर जैसा बनता है, ठीक है। जैसे पानी में भी दोस्तों इस तरह से आपने भंवर देखा होगा ना, इस तरह से दोस्तों भंवर देखा होगा, तो ये हो जाता है भंवर के जैसा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आंख भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका निर्माण होता है। आगे देखिए, कह रहा है कौन से मंडल में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशा पाई जाती, ठीक है। देखिए अगर वायुयान का मतलब क्या दोस्तों, हवाई जहाज की सीधे फीधे बात कर रहा है, ठीक है, हवाई जहाज की बात कर रहा है। देखिए हवाई जहाज अगर क्षोभ मंडल से उड़ाएंगे ना, तो क्षोभ मंडल में आंधी है, तूफान है, बादल है, बरसात है, उसकी वजह से दोस्तों हवाई जहाज को उड़ने में दिक्कत होगी। इसलिए हवाई जहाज क्षोभ मंडल में ना उड़ करके उसके ऊपर स्थित समताप मंडल में उड़ता है। कहां उड़ता है दोस्तों, यह कहां उड़ता है, यह समताप मंडल, ठीक है, यह समताप मंडल में उड़ता है, यानी क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर दोस्तों जो समताप मंडल है, ठीक है, यह वहां उड़ता है। एक चीज और याद रखेगा सर, यह कैसे डिसाइड होता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल यह कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आप एक चीज याद रखेगा, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, मान लीजिए क्षोभ मंडल है, ये क्या है, क्षोभ मंडल है। ऊपर की तरफ मान लीजिए दोस्तों ये समताप मंडल है, ठीक है, ये क्या है, ये समताप मंडल है। इन दोनों के बीच में दोस्तों एक पेटी पाई जाती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा जगह होता है जहां क्षोभ मंडल और समताप मंडल एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षोभ सीमा। ये जो क्षोभ सीमा होती है दोस्तों, यह 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक दोस्तों क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है दोस्तों, 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी एक क्षोभ सीमा पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे तो क्षोभ मंडल को हमने कहा ट्रोपोस्फीयर है, उसी तरह से दोस्तों इसका जो नाम होता है इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या दोस्तों, यहां लिख दूं मैं,
इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज कुछ और नहीं है, यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में स्थित वह पट्टी है जहां पर ये दोनों मंडल की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके ऊपर हो जाता है दोस्तों समताप मंडल, जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, ये याद रखेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमने फ्री कोर्स स्टार्ट किया, इस फ्री कोर्स के तहत पूरे 150 लेक्चर में दोस्तों आपको केवल और केवल इतिहास विषय पढ़ाया गया। अब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप चीज़ें नहीं पढ़ना चाहेंगे, फिर तो यही माना जाएगा ना कि अब एजुकेशन का कोई महत्व रह नहीं गया। आप पता नहीं किस दुनिया में हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या जज्बा है आपके अंदर, मुझे समझ नहीं आता। इतनी अच्छी क्लास, इतना मेहनत से पढ़ाया जाना, ठीक है, इसके बाहर से आप खुद भी जानते कि इसके बाहर से कुछ नहीं आता। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, आप मुझे बताओ, आप अपनी कॉपी खोल लेना और ये चैप्टर ओपन कर लेना दोस्तों, देखो एक सवाल ऐसा नहीं होगा जिस पर हम डिस्कस नहीं करते। जितने मेहनत से, जितने शिद्दत से, जितने लगन के साथ मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, उतनी ही लगन के साथ दोस्तों आपको पॉलिटी भी सभी पढ़ाया गया, पूरे के पूरे 80 लेक्चर में। कौन पढ़ाएगा 80 लेक्चर में पॉलिटी? आपकी क्लास में कितने दिन पॉलिटी पढ़ाएगी? मुझे लगता है 25-30 दिन 40 दिन, हार्डली 80 दिन कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन नितिन सर ने 80 दिन पढ़ाया, टाइम पास नहीं किया, एक एक मुद्दे पर दोस्तों आपको क्लास दिया, एक एक टॉपिक पर क्लास दिया, कुछ छूटा नहीं, 150 लेक्चर में इतिहास पढ़ाया। और इसी तरह दोस्तों पढ़ते पढ़ते हम आ गए 230 लेक्चर पे, और 231 नंबर से जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही। तो आज आप जो कवर कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बहुत जल्द दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आइए मिलिए और साथ में बैठिए, पढ़िए, डिस्कस करते चलिए, मजा खूब आता है, ठीक है। समताप मंडल में कौन सी विशेष गैस पाई जाती है, ठीक है, उस विशेष गैस का नाम बताइए जो कहां पाई जाती है दोस्तों, जो समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। एक तो याद रखेगा समताप मंडल, स से समताप, स से स्ट्रेटोस्फियर। इसी तरह से क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते थे, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच की जो सीमा थी उसको ट्रोपोपॉज कहते थे। करा समताप मंडल में कौन सी विशेष गैस पाई जाती है, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा दोस्तों ओजोन के बारे में, ठीक है, ओजोन गैस के बारे में, ठीक है, ओजोन गैस। यहीं पर दोस्तों ओजोन परत स्थित होती है, ओजोन को दोस्तों O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। O2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। क्या होता है दोस्तों? O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। और O3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? O3 का मतलब ओजोन होता है, इसको भी याद रखिएगा। वो इसी समताप मंडल में पाई जाती है। करा पृथ्वी के किन भागों पर समताप मंडल की मोटाई ज्यादा है, ठीक है, करा उस हिस्से का नाम बताइए जहां पर समताप मंडल क्या है दोस्तों? ज्यादा मोटा है। अब यानी सीधे सीधे पूछ रहा है कि ध्रुवों पर मोटा है या विषुवत रेखा पर मोटा है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं इसकी सर्वाधिक मोटाई की बात कर दूं, सर्वाधिक मोटाई की दोस्तों बात करूं, तो सर्वाधिक मोटाई कहां पर दोस्तों? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर समताप मंडल क्या दोस्तों? सर्वाधिक मोटा है, सबसे ज्यादा मोटा है। उसी तरह दोस्तों अगर मैं बात कर दूं समताप मंडल के न्यूनतम मोटाई की, न्यूनतम मोटाई की बात कर दूं, तो न्यूनतम मोटाई कहां देखने को मिलती दोस्तों? ये मिलती है भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी सीधे सीधे 0 डिग्री वाली जो लाइन है वहां पर दोस्तों इसकी मोटाई कम मिलती है, न्यूनतम मिलती है, ठीक है, एकदम कम। करा समताप मंडल में किस ऊंचाई पर तापमान एक समान रहता है? अभी तो आपने पढ़ा था कि ऊपर जाने पर दोस्तों धीरे धीरे तापमान घटता जाता है, ठीक है, जिसे हम सामान्य ह्रास दर के रूप में जानते हैं। और 165 मीटर पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों टेम्परेचर गिर जाता है। लेकिन वो क्षोभ मंडल की खासियत थी, जब आप समताप मंडल में आते हैं दोस्तों तो एक ऐसा टाइम आता है जब तापमान एक समान रह जाता है दोस्तों। और ऐसा कब होता है? लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। ऊंचाई कितनी होती दोस्तों? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दोस्तों आप जानते हैं कि जब आपने क्या पढ़ा? क्षोभ मंडल पढ़ा। जब आपने क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 16 से 18 किलोमीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों? 16 से 18 किलोमीटर ऊंचा है। और ये चीज आपने पढ़ा। तो दोस्तों इसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जहां समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वहां पर तापमान एक जैसा हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि समताप मंडल का विस्तार कितना है, तो क्या बताएंगे? समताप मंडल
का विस्तार कहां तक है दोस्तों, जैसे क्षोभ मंडल का विस्तार था उसी तरह से समताप मंडल का जो विस्तार है यह 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। यानी इस 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में क्या पाया जाता है दोस्तों, समताप मंडल पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, करीब 20 किलोमीटर के बाद समताप मंडल में किस ऊंचाई तक तापमान बढ़ता है, ठीक है। पहले समझिएगा दोस्तों, 18 से 16-18 आपने लिया था, 16-18 किलोमीटर तक तो दोस्तों आपका क्या था, ये क्षोभ मंडल ही था, क्या था दोस्तों, क्षोभ मंडल था। इसके बाद दोस्तों समताप स्टार्ट हुआ, तो 20 किलोमीटर तक दोस्तों क्या होता है, ये जो 20 किलोमीटर तक का केस होता है समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में यहां टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, यहां टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, टेम्परेचर जो होता है ये स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है। लेकिन जब आप 20 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं और कहां तक दोस्तों, सीधे 50 किलोमीटर तक जाते हैं, तब समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों, तापमान बढ़ता है। और कहां तक दोस्तों तापमान बढ़ता है, तो याद रखेगा 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक जाने पर दोस्तों ये टेम्परेचर क्या हो जाता है दोस्तों, अब बढ़ने लगता है, ठीक है, अब बढ़ने लगता है। इसके पहले क्या हो रहा था दोस्तों, इसके पहले क्षोभ मंडल वाले में टेम्परेचर घट रहा था, फिर टेम्परेचर स्थिर हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा। ये तीन चीजें आज आपने सीखा, मतलब समझ में आ रहा है ना, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घट रहा था तभी तो दोस्तों ठंडा लग रहा था, मैंने बताया ना, लेकिन और जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर स्थिर हो गया, और जब ऊपर जाओगे तो अब घटने की बजाय टेम्परेचर बढ़ने लगता है। समताप मंडल में दोस्तों ऐसा होता है, जब ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। करा समताप मंडल में कितनी ऊंचाई पर ओजोन गैस का मंडल पाया जाता है दोस्तों, ये ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ओजोन परत जो दोस्तों ये कहां से स्थित है, तो ये 20 से आप 50 किलोमीटर ले चले, 20 से 50 किलोमीटर के बीच में दोस्तों क्या होता है, ये ओजोन परत स्थित है, क्या स्थित है दोस्तों, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत करती क्या दोस्तों, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को दोस्तों रोक लेती है और उसे पृथ्वी तक पहुंचने से दोस्तों रोके रखती है, यही उसका काम है। करा कौन सी गैस है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है, तो दोस्तों कौन सी परत है, याद रखेगा ओजोन परत है। अगर ओजोन परत ना होता दोस्तों, तो पराबैंगनी किरणें क्या होती, धरती तक आ जाती, और इसके वजह से दोस्तों लोग त्वचा कैंसर का शिकार हो जाते हैं, ज्यादा हानिकारक गैस है, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज दोस्तों यहां पे और याद रखेगा, एक सवाल आता है परीक्षा में कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेगा 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत क्यों इंपॉर्टेंट है, यह भी आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति में सूर्य की पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं, तो किस गैस की अनुपस्थिति में दोस्तों, वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति में, तो आप कह सकते हैं ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस। ये ओजोन गैस पाई कहां जाती है दोस्तों, तो ओजोन गैस ओजोन परत में पाई जाती है, जहां पर ओजोन परत है दोस्तों वहां पर इस गैसों का लेयर होता है, ये पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा यहीं पर दोस्तों और भी चीज याद रखेगा, ये ओजोन जो गैस है ना, इसको मापने की इकाई पूछता है, तो डॉप्सन इसकी इकाई है, वो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, वो कौन सी गैस है जो ओजोन परत को दोस्तों क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। तो याद रखेगा सबसे खतरनाक है दोस्तों सीएफसी, सीएफसी का मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या होता है दोस्तों, क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके अलावा हालांकि नष्ट करने वाली गैसों में दोस्तों CH4 का भी नाम आता है, CH4 दोस्तों किसे कहते हैं, CH4 दोस्तों मीथेन को कहते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों कई सारी गैस हैं जो ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उनमें भी याद रखेंगे ये CFC गैस दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, मापने के लिए किस इकाई का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेगा डॉप्सन इकाई है, ठीक है, क्या है दोस्तों, याद रखेंगे डॉप्सन इकाई है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए, क्योंकि ओजोन लेयर जितनी मजबूत होगी, जितनी मोटी होगी, उतना ज्यादा दोस्तों ये हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है।
करा है कि समताप मंडल में जिन विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, ठीक है, मेघों का निर्माण, मेघ मतलब क्या दोस्तों, जिस विशेष प्रकार के बादल का निर्माण होता है उन बादलों को दोस्तों क्या कहते हैं, उसे मूलाभ मेघ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे मूलाभ मेघ कहते हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों मुक्ताभ मिलेगा, मुक्ताभ नहीं होता दोस्तों, कहीं कहीं पे मुक्ताभ मिलता है, ये मुक्ताभ नहीं होता, मूलाभ होता है, ठीक है। तो मूलाभ मेघ, देखिए अब यहां पे कंफ्यूजन कैसे होता है, आपने पढ़ा दोस्तों सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं ये कहां घटती है, क्षोभ मंडल में। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि बादल तो सब क्षोभ मंडल में होगा, इसलिए समताप मंडल में बादल पाए नहीं जाते हैं, जबकि एक स्पेशल प्रकार के बादल है मूलाभ मेघ, जिनकी उत्पत्ति, जिनका निर्माण ही कहां होता है दोस्तों, समताप मंडल में होता है, ठीक है। इन्हें हम आसमानी बादल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम आसमानी बादल कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले दोस्तों बादल हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर, कह रहा कि परिवर्तन मंडल, दोस्तों इसी तरह पीछे एक सवाल दिया था संवहन मंडल, ना भूलिएगा मत, ठीक है, संवहन मंडल के बारे में आपसे पूछा था, मैंने आपको समझाया था संवहन मंडल कुछ और नहीं है, यह विक्षोभ मंडल का ही नाम है। फिर मैंने आपको यह भी समझाया कि विक्षोभ मंडल कुछ और नहीं है, विक्षोभ मंडल क्षोभ मंडल का ही नाम है। फिर मैंने आपको समझाया कि क्षोभ मंडल भी कुछ और नहीं है, इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे नाम हैं, परेशान मत होएगा, सब एक ही बात है, दो बात नहीं है। अभी क्या पूछ रहा है कि परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल की बीच की सीमा को दोस्तों क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल और समताप मंडल की बीच की सीमा। तो आपने पीछे पढ़ा था परिवर्तन मतलब वही संवहनी मंडल भाई, ठीक है, उसके बीच की सीमा को हमने नाम दिया था ट्रोपोपॉज, यही नाम दिया था ना, ट्रोपोपॉज, ठीक है, या फिर इसी को हमने कहा था क्षोभ सीमा, क्या कहा था दोस्तों, क्षोभ सीमा, ये उसी क्षोभ सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों एक नया नाम दे दिया, इसी संवहन मंडल का एक नया नाम दे दिया, क्या याद रखेगा, परिवर्तन मंडल दे दिया। तो ऐसे करके परिवर्तन मंडल क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी मौसमी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे परिवर्तन मंडल का दर्जा दिया गया या नाम यूज किया गया, ठीक है। करा समताप मंडल और मध्य मंडल, अब आप इसके ऊपर जाइए, समताप मंडल को आपने क्या कहा था दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर कर दिया, अब और ऊपर जाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है। करा समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की दोस्तों सीमा को क्या कहते हैं, जब आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो एक और सीमा मिलेगी दोस्तों, अब इसको इसका नाम, जैसे जब क्षोभ था और समताप था तो उसके बीच की सीमा को क्या दिया गया, क्षोभ सीमा, नीचे वाले के नाम के आधार पर, उसी तरह से समताप और मध्य मंडल, मध्य तो ऊपर होगा समताप नीचे होगा, तो इसके आधार पर नाम दे दिया गया समताप सीमा, क्या दिया दिया गया दोस्तों, कुछ नया नहीं दोस्तों, याद रखेगा नीचे वाली जो सीमा है मंडल है उसी के नाम में दोस्तों सीमा शब्द जोड़ दीजिए तो नया सीमा बन जाएगा। तो याद रखेगा जिस तरह से यहां ट्रोपोपॉज था उसी तरह से यहां पर स्ट्रेटोपॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोपॉज आ जाएगा, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज कुछ और नहीं दोस्तों, ये समताप सीमा है जो मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और आगे आ जाइए, कह रहा समताप मंडल के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आपने पढ़ा था, जब आप पढ़े थे किसके बारे में, जब आप पढ़े थे क्षोभ मंडल के बारे में, वो भी याद दिला दूं मैं आपको, जब आप पढ़े थे क्षोभ मंडल के बारे में तब मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल जो ध्रुवों पर है दोस्तों ये 8 से 10 किलोमीटर ऊंचा है, कितना दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर ऊंचा है, और भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर है, यही आपने पढ़ा था ना, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा वाला मंडल था समताप मंडल, ये कितना ऊंचा दोस्तों, तो याद रखेगा ये 16 से लेकर दोस्तों सीधा चला जाएगा 50 किलोमीटर तक, कहां तक आ जाएगा दोस्तों 16 से 50 किलोमीटर। और एक चीज दोस्तों ये भी बताया था इसके मोटाई के बारे में, ठीक है, मोटाई के बारे में कि दोस्तों ये मोटाई कहां रहती दोस्तों, तो सर्वाधिक मोटाई जो रहती है, सर्वाधिक मोटाई कहां रहती दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर रहती है, भूमध्य रेखा पर रहती दोस्तों, इसको याद रखेंगे, मतलब न्यूनतम कहां हो गया, ध्रुवों पर हो गया, उसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, समताप मंडल सर्वाधिक गर्म रहता है, सारा कह रहा दोस्तों समताप मंडल सर्वाधिक गर्म रहता है, कहां पर दोस्तों समताप मंडल गर्म रहता है, तो याद रखेगा खास करके शीत ऋतु में। अब आप कल्पना कीजिए यहीं पर कि आप परेशान होंगे कि दोस्तों बात कर रहा है समताप मंडल के गर्म रहने की, और गर्मी के समय की बात नहीं कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है, कर रहा है शीत ऋतु में गर्म रहता है, ठीक है। और कहां पर दोस्तों, लोकेशन कहां है, तो याद रखेगा 50 से 60 डिग्री, ठीक है,
जो अक्षांश है दोस्तों, अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा क्या, ये उत्तर और दक्षिण दोनों में, ठीक है, किसी एक में नहीं, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह दोस्तों 50 से 60 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा स्थित है, ठीक है, वहां पर दोस्तों शीत ऋतु में सर्वाधिक गर्म रहता है, याद रखेंगे। करा सीएफसी जो गैस थी दोस्तों, सीएफसी क्या करती थी, सीएफसी ने क्या किया दोस्तों, ये जो है ये ओजोन परत को नष्ट कर देती है, ठीक है, नष्ट कर देती है। करे जो नष्ट करती है आने वाली गैस है दोस्तों, ये आती कहां से, तो ये निकलती दोस्तों किससे, एक तो एसी से निकलती है, एसी जो हम यूज करते हैं एसी से निकलती है, दूसरा निकलती दोस्तों रेफ्रिजरेटर से, किससे, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी जो हमारी फ्रिज होती है उस रेफ्रिजरेटर से भी दोस्तों ये सीएफसी गैस निकलती है, और दोस्तों पर्यावरण के ओजोन परत को दोस्तों ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। समाप्त, वाह भाई वाह, आज तो जल्दी समाप्त हो गया, तो मजा आ गया पढ़कर, मुझे लगता है आनंद आ गया होगा, ठीक है, तो चलिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी लॉन्च की गई हैं, जितने शिद्दत के साथ भैया हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही दोस्तों अपने किताबों पर भी हम काम करते हैं, तो आप आइए जुड़िए हमारे साथ, किताबों को लीजिए पढ़िए, आनंद ही आनंद आ जाएगा, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन है दोस्तों, आप प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या है ना कि जो YouTube है दोस्तों हमेशा चेक करता रहता है कि कौन किस टाइप का पढ़ा रहा है, तो भाई वो कमेंट भी रीड करता है, वो लाइक्स भी देखता है, और आप लाइक करते नहीं, पढ़ने को पढ़ लेते हो, लाइक करने में आपका सबसे ज़्यादा समय चला जाता है ना, प्लीज़ यार आपसे निवेदन है लाइक कर दीजिए, तो कम से कम YouTube जो है रिकमेंड करना शुरू कर देगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा है लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो थोड़ा सहयोग कीजिए, ठीक है, धन्यवाद आपका।